रहिए मेरे साथ और आप अल्लाह पाक हम सबके रोजे इबादतें नमाजें। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। और नया दिन नए ब्लॉग के साथ हाजिर है आपकी केटी। और जैसे मैंने आपको इसका दिखाया था, बड़ा जबरदस्त लग रहा है मुझे, नया नया सा किचन लग रहा है, जैसे मैं किसी और के किचन में आ गई हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, अच्छा ही से स्टार्ट करते हैं। चार बज के 37। चलिए तो आइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं हम अपनी सहरी। तो ये चाय मैंने चढ़ा दी है, थोड़ा सा सालन है। तो जी, एक पराठा बिल चुका है और ये देख सकते हो आप, अल्लाह पाक हम सबके रोजे इबादतें नमाजें और दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह हमें अगला साल देखना नसीब करे कि हम फिर से अल्लाह को राजी कर सकें, रोजे रख सकें उसकी रजा के लिए। इंशाल्लाह हमें चाय में हमारे उबाल आने वाला है। तो जी, सहरी में रेडी कर चुकी हूँ। आज मैं सोचूँ सरों को भी उठाऊँ आखिरी, तो इसलिए मैंने ये सोचा है। आप लोग बताएं आपके घर में कौन कौन रोज़ा रखता है और कैसे रोजे गुजरे आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे गुजरे होंगे। शुरू में तो मौसम भी सही था, अब थोड़ी सी गर्मी हो गई है। तो अल्लाह पाक हमारे रोजे इबादतें दुआएं कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह। तो आइए मेरे साथ सहरी करते हैं जी। तो ये है सरू और आज मैंने कहा कि मेरे साथ सहरी करें, उठे तो अल्लाह का शुक्र है ये उठ गए। तो आइए हम सहरी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो, ये क्या है सरू? ये सरप्राइज किसके लिए है? मेरे लिए। अरे वाह, क्या सरप्राइज है, देखते हैं भाई। ओ वाह, मोबाइल का केस है, मार खोर। वाह जबरदस्त, ईद का गिफ्ट है जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ सर, सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपने मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे तो पता नहीं था कि ये गिफ्ट भी कोई आ रहा है। देखें जी, ये मुझे सरप्राइज मिला है, ईद का गिफ्ट, मोबाइल केस माशाल्लाह। और ये मैं अब आपको अनबॉक्सिंग कर दी है सर, उन्हें दिखाते हैं आपको। दिखाएं, इधर मुँह करें ना, ये देखें जी, मार खोर। थैंक यू। देखें जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मार खोर, थैंक यू सो मच सर। साल हो रहा है, दिन से ही बाजार जा रही हूँ, ये देखें आप, क्योंकि रात को बहुत रश हो जाता है, क्या पता ये लोग कब चांद दिखा दें, कब ईद कर दें, अल्लाह को पता है। तो चलिए मेरे साथ मार्केट। तो जी, ये बेडशीट देख सकते हैं आप, ले लिए लास्ट मोमेंट पे, यही काम रह जाते हैं, बेडशीट ले लो, चुड़ी ले लो, मेहंदी ले लो बस। तो आप लोगों ने ले लिया अपनी अपनी बेडशीट से? नहीं लिया, नहीं लिए तो भी आके ले लो, क्या पता कल ही चांद दिखा दें, कल ईद बना दें ये लोग। और आप जो आए दुपट्टा भी होगा, आ रहे सितारे तो अच्छे खासे आ गए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं मेरा बिल्ला बिल्ली जो है ना, मिली बेटी, आ मिली बेटी, आओ मिली बेटी, आओ। तो अच्छा, जब से मैं छोटी हूँ ना और मैंने होश संभाला है, तो मुझे यही होता है कि मैं चांद को खुद देखूं, दुआ मांगूं घर में भी अपने मैके में, और अब माशाल्लाह ससुराल में हूँ तो भी। तो अभी हम आ चुके हैं चांद देखने के लिए। जैसे कि आपको सितारे दिखेंगे, सितारे आ चुके हैं। आपको ये दिखा रही थी इस जगह नजर नहीं आया, यहाँ पर सितारे आपको दिख रहे होंगे माशाल्लाह, लेकिन हमें अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन क्या पता रात को 1 बजे 2 बजे आपको चांद अनाउंस कर दिया जाए। तो आप लोग अपने काम सारे निपटा लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, मेहंदी लगवा लीजिए। जी, मुझे तो चांद आज अभी नजर नहीं आया, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है। आप लोग वीडियो को देखते रहे, एंड तक देखें और बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक 1000 नहीं हुए मेरे। जी, तो हम थक हार चुके हैं, काफी देर हो चुकी है, चांद ऐसे हमें बताए नजर नहीं आ रहा है।
तो देखते हैं अनाउंसमेंट 12 बजे तक हो जाएगी, अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, और रोजा रखना पड़ेगा तो ज्यादा पता चलेगा। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं तक ही देखें और अल्लाह हाफिज। जी सर रू, अलविदा जुम्मा मुबारक, सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अलविदा जुम्मा मुबारक हो सबको। जी चलिए भाई सबको मुबारक हो, सरू जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे नमाज पढ़ने की, और अल्लाह पाक सबकी दुआएं नमाजें रोजे इबादतें कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हाफिज। नमाज़ टाइम। तो जी आज तो आखिरी रोज़ा है ही, जैसे कि आप सबको पता है कि हम मुसलमान जो होते हैं 29 रखते हैं या 30 रखते हैं। तो मैं अभी बना चुकी हूँ चार्ट, आपको दिखाती हूँ चार्ट में यहाँ बैठे हुए बना रही थी, बिकॉज लाइट जो है हमारी सुबह 6:45 से लाइट गई हुई है, अभी आई है 6:45। तो रोज़ा होता है जाहिर है, पानी भी नहीं पी सकता बंदा, और गर्मी आप लोगों को पता ही है। खैर अल्लाह का शुक्र है अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, अब हम चलते हैं पापड़ तलने के लिए, क्योंकि आखिरी रोज़ा है तो थोड़ा सा एहतमाम ज़्यादा करेंगे। अल्लाह पाक हमें अगले साल नसीब करे सबको इंशाल्लाह, और तौफीक दे रोज़ा रखने की सेहत ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह, आमीन। चलिए मेरे साथ। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं नया नया मेरा किचन है माशाल्लाह। चूल्हा जो है हम जलाते हैं, इसके सेल हो गए हैं, और हमने मियाँ को बताया भी नहीं कि सेल लाने। तो आज का इफ्तार इस साल का रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमारे रोज़े इबादतें दुआएं कबूल मंजूर फरमाएं इंशाल्लाह, हम सबको हिम्मत ताकत दे सह ज़िंदगी दे कि हम अगले साल भी रोज़े रख सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह हमारी जायज़ मुरादों को मन्नतों को कबूल मंजूर फरमाएं इंशाल्लाह। मेरी से कोई गलती कोताही किसी के दिल आज़ारी हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आज शैतान आज़ाद हो जाएगा, तो फिर अभी से उसके पहले वाले की माफ़ी मांग लें क्या कह लें। और ये चेक करने के लिए पापड़ डाला था कि कच्चा है नहीं, सॉरी पक गया है, तेल ऑयल गरम हो गया है या नहीं, तो तेल गरम नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। वाह खूबसूरत माशाल्लाह, लवली लवली लवली। पापड़ डाल दिया है हमने, तो जी आज आखिरी रमज़ान है, आखिरी रोज़ा है, तो आज हम अफ्तार पे बैठे हैं, अभी रोज़ा नहीं खुला। पी लूँ? अच्छा मैडम जी पी लूँ, अभी ये मेरी जिठानी मुझे पानी दे रही है कि पी लो, लेकिन अभी खुला नहीं है, पियेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, तो आपको अफ्तारी दिखाते हैं। आज ये स्पेशल पापड़ है, चाट है, फ्रूट चाट है, और क्या क्या है भाई, चिकन पेटीस है और वेज पेटीस है, कचौरी है, आलू की पकौड़ियाँ हैं, पकौड़े हैं, और ये समोसे भी हैं भाई। ओहो मिर्च भी है भाई, मिर्च ने मिर्च दिखाई, वाह जिठानी जी वाह, आपने ही मिर्च दिखाई, और खजूर, और ये देखें ये मैं स्किप कर दूँगी ठीक है ना, ये रायता है, ये जलेबी है, अरे ये वो टैंग है जो मैंने मंगाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको खुश करते। क्या नाम था इसका, पाइनएप्पल टैंग, बड़ा ज़बरदस्त लगा था। लास्ट अफ्तार जो हमने किया था कहीं गए थे अफ्तार पार्टी में वहाँ पर, तो मैंने आज कहा कि कुछ स्पेशल हम अफ्तार करते हैं, तो ये है हमारा तरबूज। सरू तो जी जैसा आपने सुना कि शैतान इज़ बैक, तो ये हैं हमारे घर की शैतान जो कि बैक हो चुकी हैं, अभी आपने सुना हुआ इन्होंने क्या कहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिरी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया अल्लाह ने, करवाया है, और ये रौनक है, ये बरकतें, ये दस्तरखान की जो सजावट है इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके घरों में अगले साल नसीब करे, हम सबको सेहत कामला अल्लाह वाली लंबी ज़िंदगी दे और तौफीक दे कि हम अगले साल भी अल्लाह के लिए रोज़ा रखें, फ़र्ज़ जो उसने हम पर किया है, और उसको राज़ी करें। तो अब चलते हैं बर्तन धोने की जानिब। जी आज अफ्तार के लास्ट, फिर इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे और मोहब्बतें कायम रखें कि हम साथ बैठ के ऐसे ही अफ्तार करें। तो चलिए जनाब मेरे साथ आइए, ये बर्तन कौन धोएगा, कौन धोएगा, केटी, ये केटी की दुनिया है। सबको 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 ईद मुबारक, प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। तो जी ईद मुबारक हो आप सबको, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। आज तो जी आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं केटी की दुनिया पे, चांद दिखा रहे हैं आपको। अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को, हाजतों को, नमाजों को, दुआओं को, रोज़ों को, इबादतों को सबको कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। और चांद आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखा रही हूँ केटी की दुनिया, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। तो जी चांद रात शुरू हो गई है और ये देखें क्या हो रहा है।
सरू साहब के अब कलर लगा रही हूँ मैं, सरू ने सारा लगा लिया है। चले।